myself, Professor Pankaj Gajera. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is internal combustion engine. In this lecture, topic to be discussed important quality of IC engine fuel. Right? So, this lecture we are discussing important quality of IC engine fuel. So, internal combustion engine mein जो फ्यूल यूज होता है उसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. राइट, इम्पोर्टेंट फ्यूल स्पेसिफिकेशन फॉर गैसोलीन पेट्रोल यूज इन आईसी इंजन. राइट, तो जो गैसोलीन है जो यूज होता है आईसी इंजन में, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जो यूज होता है, जो उसकी इम्पोर्टेंट फ्यूल की जो स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए, ऑक्टेन रेटिंग है, अगर पेट्रोल है तो, डीजल है तो, C10 रेटिंग है, तो ये जो स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन भी हम देखेंगे कि क्या क्या फ्यूल में होना चाहिए. इन आईसी इंजन द केमिकल एनर्जी कंटेन इन द फ्यूल इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल पावर बाय बर्निंग और ऑक्सीडाइजिंग द फ्यूल इनसाइड द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन. राइट, तो ये हमें पता है कि जो फ्यूल का कंबशन होता है तो जो आईसी इंजन में फ्यूल है उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्ट किस में होता है, मैकेनिकल पावर में, यूजफुल मैकेनिकल पावर में कंबशन होता है. किसके थ्रू, कंबशन चैम्बर के थ्रू. कंबशन चैम्बर जो सिलेंडर में जहाँ कंबशन होता है उसे ना पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन चैम्बर कहते हैं. राइट, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. तो फ्यूल इज सब्सटेंस कंज्यूम बाय द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. राइट, तो जो इंजन है जो कंज्यूम करता है, राइट, एनर्जी प्रोड्यूस के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं. तो कॉमन फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, जो इंटरनल कंबशन इंजन में जनरली जो फ्यूल यूज होते हैं उसमें कौन कौन से, पेट्रोल, पावर केरोसिन, हाई स्पीड डीजल ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल. राइट, तो ये चार जो है वो चारों जनरली यूज होते हैं आईसी इंजन में, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन. राइट, सो क्वालिटी ऑफ फ्यूल, तो अब जो फ्यूल यूज होता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए. राइट, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए. तो अच्छी क्वालिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर भी अच्छे होने चाहिए. राइट, हम अगर कहते हैं कि कोई इंसान है उसकी क्वालिटी है, सॉरी कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी हो तो क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, उसके सरफेस की फिनिश अच्छी होती है. राइट, तो ये सब चीज़ क्या होती है, अच्छी होती है. राइट, इंसान को हम बात करें कि इंसान ये अच्छा है तो क्या होता है, उसमें कुछ क्वालिटी और गुण होते हैं. राइट, तो जिसके कारण हम कहते हैं कि वो इंसान है वो अच्छा है. राइट, तो इसी तरह जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में. तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग प्रॉपर्टी. तो जो क्वालिटी है वो जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड रहती है. अगर वो प्रॉपर्टी प्रॉपर है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी. उसमें वोलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एंड इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल. राइट, तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फ्यूल है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है. राइट, अब उसमें पहला देख लेते हैं वोलेटिलिटी मीन्स पेट्रोल है, डीजल है, जो भी फ्यूल है वो क्या होना चाहिए, वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए. जब इग्निशन हो तो उसके पहले उसका फॉर्म क्या बन जाना चाहिए, वेपर बन जाना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं. राइट, वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल हैज कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन बाय अफेक्टिंग द फॉलोइंग. राइट, तो जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी प्रॉपर देंगे, क्योंकि जो ये पेट्रोल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो ईजिली इग्निशन हो जाएगा, पर इजीली इग्निशन हो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी क्या मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस उसका मिलेगा. राइट, तो उसी लिए क्या है, वोलेटिलिटी है वो परफॉर्मेंस में डिपेंड होती है, परफॉर्मेंस है वो वोलेटिलिटी पर डिपेंड होता है. तो उसका जो अफेक्ट है क्या क्या होता है, अगर वोलेटिलिटी अच्छी हो तो स्टार्टिंग ईजी हो जाएगा, ईजी ऑफ स्टार्टिंग द इंजिन, डिग्री ऑफ क्रैंक केस ऑयल डिल्यूशन, जो ऑयल है क्रैंक केस में जो सब पार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वो जो बिगड़ जाने का चांसेस है. राइट, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फॉर्मेशन ऑफ वेपर लॉक इन फ्यूल सिस्टम, तो ये जो वेपर है अगर वहाँ पर जो फ्यूल सिस्टम है उसमें अगर वेपर वो बनता जाएगा तो क्या होगा, लॉक हो जाएगा,
ये जो वेपर है वो गैस के कारण, तो वो भी क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजन, तो इंजन है उसे स्पीड में कितना एक्सेलरेट कर सके, स्पीड में इग्निशन बढ़ा सके, राइट। तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी इंजन की अफेक्ट करती है वोलेटिलिटी से। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मल्टी सिलेंडर इंजन, जो फ्यूल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जो मल्टी सिलेंडर इंजन हर सिलेंडर में क्या होता है, फ्यूल का सप्लाई करना होता है, राइट, मैनिफोल्ड के थ्रू। तो ये जो है उसमें भी क्या करता है, वोलेटिलिटी अफेक्ट करता है, राइट। उसके बाद वोलेटिलिटी में ही इन आईसी इंजन ऑल द लिक्विड फ्यूल मस्ट बी कन्वर्ट इनटू वेपर फ्यूल बिफोर बर्निंग, राइट। तो आईसी इंजन में क्या होता है, जो भी लिक्विड फ्यूल है वो बर्निंग से पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हाई स्पीड डीजल ऑयल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वेपराइज, जो हाई स्पीड डीजल है, हमने फोर टाइप्स जो आईसी इंजन में फ्यूल होते हैं वो फोर फ्यूल देखे थे, पेट्रोल है, केरोसिन है, हाई स्पीड डीजल ऑयल है और लो स्पीड डीजल ऑयल है। तो उसमें हाई स्पीड डीजल ऑयल है उसे वेपराइज करने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वेपराइजिंग टेम्परेचर ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल इज हायर देन दैट ऑफ द पेट्रोल, राइट। तो जो ये वेपोराइज का जो टेम्परेचर है वो भी पेट्रोल से डीजल का क्या होगा, ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टार्टिंग पेट्रोल में क्या होगा, इजी होगा, डीजल में स्टार्टिंग थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। हेंस द पेट्रोल वेपोराइज क्विकर देन डीजल ऑयल इन द इंजन सिलेंडर, दिस हेल्प टू इजी स्टार्टिंग ऑफ पेट्रोल, राइट। तो मैंने जैसे बात की कि हेल्प करता है, और उससे क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन है वो इजीली स्टार्ट नहीं होता, राइट। उसके बाद देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या है, कि जो फ्यूल है वो इग्नाइट होकर जो हीट लिबरेट करती है, राइट। तो जो हीट लिबरेट की जो वैल्यू है किलो कैलोरी पर किलोग्राम में, उसे क्या कहते हैं, वो प्रॉपर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, राइट। द हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, राइट, इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो जो हीट कम्बन्शन के बाद जो हीट लिबरेट होती है तो उसे क्या कहते हैं, हीटिंग वैल्यू या तो कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और उसे एक्सप्रेस किसके टर्म में कहते हैं, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। एक किलोग्राम फ्यूल बर्न होने के बाद, कम्बन्शन होने के बाद जो एनर्जी किलो कैलोरी में रिलीज करती है तो फ्यूल की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। The heat value of fuel is an important measure on its worth, since this is the heat which enable the engine to do work. So, ये बहुत important role है यहाँ पर अदा करती है calorific value, क्योंकि जो engine है उसे जो work करना होता है वो किसके ऊपर depend रहता है, enable रहता है, to depend रहता है calorific value के ऊपर, right? तो वो important है calorific value for fuel. उसके बाद देख लेते हैं इग्निशन क्वालिटी, राइट। सो इग्निशन क्वालिटी रिफर टू इजी ऑफ बर्निंग द ऑयल इन द कम्बशन चैम्बर, राइट। तो इग्निशन क्वालिटी है, इग्निशन क्वालिटी अच्छी होगी तो जब पेट्रोल है, जो पेट्रोल है वो यहाँ पर कम्बशन चैम्बर में जब बर्न होगा, या डीजल है वो क्या होगा, स्प्रे होने के बाद बर्न होगा, तो क्या होगा, अगर पहली वोलेटिलिटी देखी तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर फॉर्म में सारी जगह पर जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट प्रॉपर हो जाएगा और इग्निशन हो जाएगा। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू जो ये फ्यूल है वो बर्न होकर जो हीट रिलीज करती है। अब देखते हैं इग्निशन क्वालिटी, अगर इग्निशन क्वालिटी अच्छी है तो क्या होगा, जो डीजल स्प्रे होता है पूरा डीजल है, और डीजल कम्बशन होकर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो एनर्जी लिबरेट कर देगी। अदरवाइज क्या करेगा, इग्निशन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर कम्बशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो एग्जॉस्ट में ब्लैक स्मोक आएगा और जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगा, और ऑल ओवर एफिशिएंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो इग्निशन क्वालिटी इज रिफर टू इजी ऑफ बर्निंग द ऑयल इन कम्बशन चैम्बर, तो इग्निशन क्वालिटी क्या रिफर करती है, कि जो ऑयल है वो इजीली बर्न हो जाएगा, किसमें, कम्बशन चैम्बर में। अब देखते हैं ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर आर द मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। फ्यूल की इग्निशन क्वालिटी कितने परसेंट तक वो इग्निशन और प्रॉपर इग्निशन और इजी इग्निशन हो सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, राइट। पेट्रोल है तो पेट्रोल में हम ऑक्टेन नंबर को रिफर करते हैं, और अगर डीजल है तो डीजल में हम
सीटन नंबर को रिफर करते हैं, राइट। तो अब देखते हैं ऑक्टेन नंबर एंड सीटन नंबर, राइट। तो ऑक्टेन नंबर क्या है? इट इज मेजर ऑफ नॉक्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूल, राइट। तो जो नॉकिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने पहले ही ये समझाया था कि नॉकिंग क्या है, राइट। हमारा अगला जो लेक्चर है उसमें तो आप अगर जब भी टाइम मिले तो अगला लेक्चर देख लीजिएगा, राइट। और यहाँ पर भी नॉकिंग है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो नॉकिंग में क्या होता है कि जो फ्यूल है वो फ्यूल का जो कम्बंशन होता है, जो फ्यूल का कम्बंशन होता है, तो क्या होता है जो यहाँ कम्बंशन से स्पार्क प्लग से या तो कम्बंशन से जो दूर का पार्ट होता है, राइट, जो कम्बंशन से दूर का जो पार्ट होता है यहाँ वहाँ पर जो फ्लेम है, स्पार्क प्लग से जो फ्लेम आती है, फ्लेम रीच होती है, पहुँचती है, उसके पहले ही उसका इग्निशन हो जाता है। और वो इग्निशन हो जाता है तो क्या करता है, ओपोज में प्रेशर जनरेट करता है, राइट। और वो जो प्रेशर वेव और स्ट्राइक भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि वो हीट लेकर उसके नेक्स्ट साइकिल में बर्न होता है, तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पर नॉकिंग का साउंड आता है, नॉक का, राइट। और इंजन है वो इंजन को प्रॉपर वर्क में उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज करती है, राइट। तो ये जो नॉकिंग है और नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन दिखाता है, ऑक्टेन नंबर, राइट। तो परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द रेफरेंस फ्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हैप्टेन, राइट। तो इसमें क्या होता है, ऑक्टेन नंबर में आइसो ऑक्टेन होता है और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल हैप्टेन होता है, राइट। तो इसमें क्या क्या होता है, आइसो ऑक्टेन होता है और दूसरा क्या होता है, ये नॉर्मल हैप्टेन होता है, राइट। तो उसे क्या होता है कि जो फ्यूल है, अगर फ्यूल में ऑक्टेन नंबर दिया गया हो, गया ऑक्टेन नंबर 80, तो क्या होता है कि 80% है वो क्या है, आइसो ऑक्टेन है जो एंटी नॉकिंग के लिए यूज है, और 20% क्या है, एन नॉर्मल हैप्टेन है, राइट, एन है। तो इसी तरह ये फ्यूल है उसका इंडिकेशन दिया जाता है। अगर ऑक्टेन नंबर 100 है तो उसका मीनिंग क्या है कि आइसो ऑक्टेन है वो 100% है, और जो नॉर्मल हैप्टेन है, नॉर्मल हैप्टेन कितना है, 0 है, राइट। सो व्हेन द प्रोड्यूस द सेम नॉकिंग इफेक्ट एज फ्यूल अंडर टेस्ट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, राइट। तो ये जो है परसेंटेज दोनों का वो प्रोड्यूस होते हैं सेम नॉकिंग इफेक्ट, जो नॉकिंग इफेक्ट दी गई होती है वो टेस्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर दे गए थे, राइट। आइसो ऑक्टेन हैड एक्सलेंट एंटी नॉक क्वालिटी क्वांटिटीज एंड इज गिव रेटिंग 100, तो जब उसकी क्वांटिटी 100 रेटिंग हो तो क्या होता है, वो एक्सलेंट एंटी नॉक क्वांटिटी है, क्वालिटी हो देगा, राइट। नॉर्मल हैप्टेन वुड नॉक एक्सेसिवली एंड हेंस इट इज असाइन अ वैल्यू ऑफ 0, जो नॉर्मल हैप्टेन है, नॉर्मल हैप्टेन है वो क्या होता है, नॉकिंग करता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, जनरली सेट की जाती है 0, राइट। उसके बाद देखते हैं एक ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के रेटिंग के लिए यूज होता है। तो द परसेंटेज ऑफ सीटेन इन अ मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन, राइट। तो कौन यहाँ पर आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हैप्टेन का जब टेस्ट किया था तो मिक्सचर था, और यहाँ पर ऑक्सीटेन में किसका मिक्सचर होगा, जो डीजल में यूज होता है, किसका मिक्सचर होगा, तो अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन एंड सीटेन का मिक्सचर होगा, राइट। उसमें भी सेम, अगर ऑक्टेन सीटेन नंबर 80 दिया है तो उसका मतलब है 80% सीटेन है और अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन 20% है। अगर 100 दिया हो तो 100% सीटेन है और अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन 0 है, राइट। दैट प्रोड्यूस द सेम नॉकिंग इफेक्ट इज द फ्यूल अंडर टेस्ट इज कॉल्ड सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल। टेस्ट करते हो और सेम इफेक्ट देता है, 100% एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक देता है, 0% रिटार्डिनेशन देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सीटेन नंबर कहते हैं, राइट। डीजल फ्यूल आर रेटेड अकॉर्डिंग टू सीटेन नंबर विच इज इंडिकेशन ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो मैंने जैसे बताया कि डीजल फ्यूल है वो सीटेन नंबर से इंडिकेशन दिया जाता है। द हायर द सीटेन नंबर द बेटर द इग्निशन क्वालिटी ऑफ द डीजल फ्यूल। द कॉमर्शियल डीजल फ्यूल है गुड सीटेन रेटिंग वेरिंग 30-60। जो कॉमर्शियल डीजल आता है तो उसकी जो रेटिंग है 30-60 तक की होती है, राइट। अब उसके बाद देखते हैं
अब डिटोनेशन देखते हैं, राइट। डिटोनेशन और इंजन नॉकिंग रिफर्स टू वायलेंट नॉइस हियरिंग इन ए इंजन गिविंग अ पिंग साउंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन, राइट। डिटोनेशन क्या है, जो मैंने बताया कि जो डिटोनेशन है वो जो फ्यूल है, तो फ्यूल जब इग्निशन होता है तो कुछ पार्ट होते हैं वो बर्न नहीं होते, वो नेक्स्ट साइकिल जब है तो हीट लेकर बर्न होते, राइट। स्पार्क रहे तो नहीं, अपने आप ऑटो इग्निशन होता है, और ऑटो इग्निशन होता है जो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो बर्निंग की प्रोसेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जनरली प्रेशर वेव है, हाई प्रेशर वेव बर्निंग के बाद जनरेट करता है, और वो जो प्रेशर है वो क्या होता है कि जो सिलेंडर वॉल है उसे स्ट्राइक होते हैं, और जो ऑपोज करता है तो उससे क्या होता है, पिंग पिंग नॉइस का साउंड आता है, जो उसे क्या कहते हैं, डिटोनेशन कहते हैं, राइट। इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बशन ऑफ द मिक्सचर विद इन द सिलेंडर आफ्टर द इग्निशन हैज टेकन प्लेस, है। तो जब इग्निशन हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोसेस है डिटोनेशन की, किसमें होती है, सिलेंडर में होती है, राइट। इट इज अ इनडिजायरेबल कम्बशन एंड रिजल्ट इन सडन राइज ऑफ प्रेशर अ लॉस ऑफ पावर एंड ओवर हीटिंग ऑफ द इंजिन, राइट। तो उसे क्या होता है कि जो कम्बशन है वो कम्बशन भी प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि ये ओपोज में यहाँ से जो कम्बन इस साइड में जाएगा कम्बशन, और ये इस साइड में जाएगा, और हमारा एम क्या होता है, पिस्टन है उसे मैक्सिमम फोर्स लगाए और डाउन में मूव कराए, राइट। तो उसके थ्रू क्या होता है, जो कम्बशन है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, और सडनली प्रेशराइज होगा जिससे साउंड आएगा, और पार्ट है वो पार्ट वाइब्रेट करेगा, इंजन है वो इंजन वाइब्रेशन में होगा, और पावर है वो पावर का लॉस होगा, और इंजन है क्या होगा, ओवर हीटेड होगा। इट इज कॉजेज बाय इम्प्रॉपर कम्बशन चैम्बर, हाई कंप्रेशन प्रेशर, अर्ली इग्निशन टाइमिंग, इम्प्रॉपर फ्यूल एंड अनएडेक्यूट कूलिंग अरेंजमेंट। तो ये किसके थ्रू जनरली डिटोनेशन होता है, कि जो कम्बशन चैम्बर है उसकी डिजाइन क्या है, अनप्रॉपर है, कंप्रेशन रेशियो है, राइट, बिफोर द कंप्रेशन टू द आफ्टर द कंप्रेशन उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, राइट। कंप्रेशन होने से पहले सिलेंडर का वॉल्यूम और कंप्रेशन होने के बाद का जो सिलेंडर वॉल्यूम का रेशियो है उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो वो अगर ज़्यादा हो के प्रॉपर ना हो, अर्ली इग्निशन टाइमिंग हो, जहाँ जब टाइम पर इग्निशन होना चाहिए आफ्टर कंप्रेशन हो, उससे पहले इग्निशन होना चाहिए, तो उस इग्निशन टाइमिंग जो है प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर फ्यूल है वो प्रॉपर यूज ना किया गया हो, और कूलिंग अरेंजमेंट ना हो, तो क्या होता है, डिटोनेशन जनरली होता है, राइट। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ आईसी इंजन फ्यूल। तो आईसी इंजन फ्यूल है उसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन कौन सी, तो पहली, गुड आईसी इंजन फ्यूल मस्ट पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, राइट। उसमें फर्स्ट है, इट मस्ट हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, राइट। तो उसकी जो एनर्जी की जो डेंसिटी है किलो जूल पर किलोग्राम में, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर है फ्यूल है वो इग्निशन होगा, राइट। तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी ईजी टू हैंडल, उसको हैंडल करने में ईजी होना चाहिए, इट मस्ट पजेस गुड कम्बशन क्वालिटी, उसकी कम्बशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो वॉलेटिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, इट मस्ट हैव थर्मल स्टेबिलिटी, उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है आगे बढ़ने की, जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उसका इग्निशन है, राइट, तो वो भी क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, इट मस्ट हैव लो डिपॉजिट फॉर्मिंग टेंडेंसी, इट शुड बी ईजी टू हैंडल एंड स्टोर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हैजार्ड, तो जो किसी भी तरह का हैजर्ड रहता है उसे भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, डेंजरियस नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव केमिकल रिएक्शन विद इंजन कंपोनेंट थ्रू विच इज फ्लो, जहाँ से वो फ्लो होता है वो कंपोनेंट के साथ वो फ्यूल है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वालिटी में, इट शुड इजीली मिक्स विद एयर एंड इवोपरेट एज क्विकली एज पॉसिबल, तो जो एयर है उसके साथ मिक्स हो जानी चाहिए और क्विकली इवोपरेट हो जाए, हमें मालूम है कि बर्निंग से पहले जो फ्यूल है वो इवोपरेट होता है, बाद में ही बर्निंग होता है, तो ही प्रॉपर एफिशिएंसी हमें मिलती है। और जो पेट्रोल और किसी भी फ्यूल को इग्निशन होने में एक इम्पोर्टेंट रोल कौन अदा करता है, एयर, एयर अगर हो तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो फ्यूल है वो क्या होगा, इग्निशन होगा, अदरवाइज इग्निशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो एयर के साथ मिक्सअप भी अच्छी तरह हो जानी चाहिए फ्यूल को। प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन शुड नॉट बी कोरोसिव टू इंजन पार्ट, तो जो प्रोडक्ट होती है कम्बशन की वो भी इंजन पार्ट को कोरोसिव नहीं करनी चाहिए।
इट मस्ट पजेस लो टॉक्सिसिटी. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आइस इंजन फ्यूल इज द कंबशन शुड बी फास्ट विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज विदाउट फॉर्मिंग एनी डिपॉजिट्स एंड शुड नॉट हैव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द इंजन पार्ट एंड एटमोस्फेरिक एयर बाय एग्जॉस्ट गैस. राइट, तो क्या होनी चाहिए, किसी भी तरह की जो एटमोसफियर में जब गैस रिलीज होता है तो किसी भी तरह की टॉक्सिक और कोई भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. जो हीट जो फ्यूल है वो मैक्सिमम अमाउंट है हीट रिलीज करके जो वेस्ट डिपॉजिट है वो क्या करें एटमोसफियर में रिमूव कर देना चाहिए. इट्स इफेक्ट ऑन एयर पोल्यूशन शुड बी मिनिमम. जो पोल्यूशन इफेक्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, नाइट्रोजन है जो एटमोसफियर में रिलीज करती है उसकी भी इफेक्ट एटमोसफियर में और एयर पोल्यूशन में क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. यू शुड बी इकोनॉमिकल अवेलेबल इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी. और जो इकोनॉमिकल भी अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन में सब जगह पर यूज़ करते हैं तो उसको जो प्राइस है वो भी सब लोगों को सस्ते से मिल सके इतनी होनी चाहिए. राइट, उसके बाद देख लें प्री इग्निशन. राइट, तो प्री इग्निशन में क्या होता है कि जो स्पार्क होता है स्पार्क प्लग से, तो स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है उससे पहले अगर फ्यूल का इग्निशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं ऐसा इंजन में. राइट, तो देख लेते हैं. बर्निंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन कंबशन चैम्बर बिफोर पिस्टन एज रीच द टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड प्री इग्निशन सेंटर. है तो ये जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है उससे पहले यहाँ पर अगर फ्यूल का इग्निशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं. प्री इग्निशन अकर व्हेन चार्ज इज फायर टू फार अहेड, मतलब ज़्यादा दूर हो, अहेड ऑफ टॉप डेड सेंटर ऑफ द पिस्टन ड्यू टू एक्सेसिव स्पार्क एडवांस और एक्सेसिव हीट इन सिलेंडर. है तो अगर यहाँ पर दूर हो, अगर हॉट स्पार्क प्लग हो, वॉल हो, कार्बन डिपॉजिट हो, ये एग्जॉस्ट और इनलेट वाल अगर ज़्यादा हीटेड हो, राइट, स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा हीटेड हो तो क्या करता है, ये यहाँ रीच पहुँचता है उसके पहले यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं. राइट, फ्यूल सुटेबल फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन हैव टू बी यूज इन आई सी इंजन दे आर फॉलोइंग टाइप. है जो केमिकल रिएक्शन फास्ट है और जो यूज होते हैं फ्यूल वो कौन से, सो उसमें हाइड्रोकार्बन फ्यूल डिराइव फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम बाय प्रॉपर रिफाइनिंग प्रोसेस सच एज थर्मल एंड कैटेलिक क्रैकिंग मेथड, पॉलीमराइजेशन, अल्कलेशन, आइसोमराइजेशन एंड रिफॉर्मिंग एंड ब्लीडिंग. तो ये जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस वो करने के बाद क्या होता है कि जो फ्यूल है वो प्रॉपर रिफाइन होकर तैयार होता है, राइट, बनता है. राइट, ऑल्टरनेटिव फ्यूल सच एज, और दूसरा क्या है, ऑल्टरनेट हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो इस तरह से बनता है जो पेट्रोल डीजल है वो, और दूसरा है अल्टरनेटिव फ्यूल सच है अल्कोहल, राइट, जो मीथेन और इथेन है दोनों में से एक होता है. उसके बाद नेचुरल गैस जो मीथेन है, उसके बाद एलपीजी जो हम ऐसा इंजन में यूज़ करते हैं जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, और हाइड्रोजन. राइट, तो दो तरह के जनरली फ्यूल, एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है कि जो ये कैटालिक क्रैकिंग मेथड, पॉलीमराइजेशन, अल्कलाइजेशन, आइसोमराइजेशन, रिफॉर्मिंग एंड बेंडिंग बाद जो प्रॉपर बनता है, और दूसरा है अल्टरनेटिव फ्यूल. तो दोनों का जनरली आईसी इंजन में यूज होता है. अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. तो पेट्रोल एंड डीजल की जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं. राइट, तो कौन सी है, फ्लैश पॉइंट है. पहले फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ सैंपल एट विच फ्यूल वेपर स्टार्ट टू इग्नाइट व्हेन कॉन्टेक्ट विद फ्लेम. तो लोएस्ट टेम्परेचर है कि जब फ्लेम कॉन्टेक्ट में आए और जब इग्नाइट होना फ्यूल स्टार्ट करे तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूल का फ्लैश पॉइंट कहते हैं. राइट, फॉर गैसोलीन इट इज 25 डिग्री सेल्सियस, डीजल फ्यूल 35 डिग्री सेल्सियस, हेवी डीजल 65 डिग्री सेल्सियस. राइट, अगर गैसोलीन है तो उसका टेंपरेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस रहता है. अगर डीजल है तो 35, और हेवी डीजल है तो 65 डिग्री फ्लैश पॉइंट टेंपरेचर रहता है. देख लेते हैं स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू. स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू, राइट, हीटिंग वैल्यू एचवी मीन्स हीटिंग वैल्यू इज मेजर ऑफ द एनर्जी कंटेंट ऑन द फ्यूल पर यूनिट मास. तो 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी कंटेन करती है उसे क्या कहते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू कहते हैं. राइट, तो गैसियस फ्यूल स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू इज गिवन टर्म ऑफ एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अगर गैसियस है तो पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितनी कैलोरी है वो कंटेन करता है वो दिखाता है. इन आईसी इंजन लोअर हीटिंग वैल्यू इज गिवन अ कंबशन प्रोडक्ट कंटेंट वाटर इन
वेपर फॉर्म, राइट। अगर जो लोअर हीटिंग वैल्यू है तो उसमें क्या होता है, वाटर फॉर्म में होती है। और गैस, गैसोलीन एंड डीजल की हीटिंग वैल्यू, तो गैसोलीन की है 14,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और जो डीजल है उसकी 10,200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। हीटिंग वैल्यू ऑफ द कंबशन फ्यूल मिक्सचर एडिसिव फैक्टर ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस, तो हीटिंग वैल्यू के ऊपर इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब देख लेते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है कि जो फ्यूल है, राइट, जो फ्यूल है उसका एक लेयर है, तो दूसरे लेयर क्या करता है, इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाता है ये फ्यूल, राइट। तो ये क्या वो करता है, रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्ट करता है तो उसके क्या कहते हैं, विस्कोसिटी एक्चुअल में कहते हैं, वाटर हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, राइट। अब विस्कोसिटी इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ सीए इंजन, ऑल्सो इन्फ्लुएंस फ्यूल मेटरिंग ओरिफिस, सिंस आरई इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ फ्यूल विस्कोसिटी, लोअर द विस्कोसिटी स्मॉलर द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इन स्प्रे, राइट। अगर विस्कोसिटी और जो फ्यूल मेटरिंग है, जो बबल्स क्रिएट होता है, वो क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट, फंक्शन होते हैं, राइट। विस्कोसिटी अच्छी हो तो ड्रॉपलेट क्या होगा, स्मॉल बनेगा, विस्कोसिटी कम है तो ड्रॉपलेट क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, राइट। तो यहाँ पर सर्टेन लिमिट भी दी गई होती है, तो ये दी गई है इनलेयर्स और सेंटी स्ट्रोक में, राइट। उसके बाद देख लेते हैं सरफेस टेंशन, राइट। तो जो लेयर है उसमें क्या होता है कि अगर जो यहाँ पर फ्यूड है और फ्यूड दूसरे फ्यूड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, राइट। एट्रैक्शन के क्या, यहाँ एक फिल्म बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इज विच इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट इन स्प्रे, जब फ्यूल का स्प्रे होता है और वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर ये जो सरफेस टेंशन है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि ड्रॉपलेट बनने में जो ये है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो राइट। तो वो जो है उसमें जो ये गैसोलीन है उसमें जो फिल्म है और सरफेस टेंशन है वो कितना रहता है, वो यहाँ पर दिया गया है। और डीजल है, डीजल में कितना रहता है, वो भी दिया गया है सरफेस टेंशन, राइट। अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज कब होता है, तब प्रिसिपिटेशन ऑफ पैराफिन क्रिस्टल इन विंटर कैन बी लीड्स टू क्लॉग फिल्टर, है तो क्या होता है कि जो विंटर होता है वो मौसम में जो फिल्टर है वो क्लॉग हो जाता है, जम जाता है, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, वो किन के थ्रू होता है, फ्रीजिंग के थ्रू होता है, राइट। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइदर रिमूविंग पैराफिन फॉर्म ऑफ फ्यूल और एडिंग फ्लो इम्प्रूव एडिटिव, अदरवाइज या तो हम पैराफिन को रिमूव करते हैं या तो हम क्या कहते हैं कुछ एडिटिव ऐड करते हैं कि जिससे फ्रीजिंग कम हो, राइट। तो जो एंटी फ्रीज है जो प्रॉपर्टी है जो वो क्या करते हैं, वैसा लिक्विड हम ऐड करते हैं जो फ्रीज ना होने दे। तो कितना फिल्टर करती है वो फिल्टर पर क्या होता है, एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी वो डिपेंड है। अगर गैसोलीन है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -65 डिग्री सेल्सियस है, और अगर डीजल फ्यूल है तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब देख लेते हैं गैसोलीन वोलेटिलिटी, राइट। तो जो हमने वोलेटिलिटी पहले ही देखी, तो वही वोलेटिलिटी वेपर फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो बेंजीन है तो उसका वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर पर क्या होगा, वो इवोपरेट होकर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, राइट। तो क्या दिया गया है, गैसोलीन की वोलेटिलिटी दी गई है, राइट। कौन से कंडीशन में वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए दिखाया गया है, राइट। और नंबर ऑफ कंपाउंड कितने होते हैं, अप टू अबाउट 400 होते हैं, राइट। अब कोल्ड स्टार्टिंग जो ठंडे मौसम और वहाँ पर जब उनको स्टार्टिंग करते हैं तो डिफिकल्टी होती है, तो उसे कोल्ड स्टार्टिंग कहते हैं। तो ऐसा इंजन है तो उसमें एयर फ्यूल रेशियो है वो कितना होना चाहिए कोल्ड स्टार्टिंग, तो कितना होना चाहिए, 7.0 जनरली कितना होता है, 7.1 से 20.1 बाय वेट एयर फ्यूल का यहाँ पर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, एयर फ्यूल का रेशियो दिया गया है, राइट। जनरली इतना होता है, लेकिन जब कोल्ड स्टार्ट होता है तो डिफिकल्ट होता है ये जो मिक्सचर है वो रेशियो से इग्नाइट करना। तो क्या करते हैं वो जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 3:1 तक ले जाया जाता है, जिससे जो है वो इग्निशन और स्टार्टिंग वो इजीली हो सके, राइट। तो रिच मिक्सर जो है वो सप्लाई होगा उस टाइम पर, राइट। तो इसे क्या होगा, कोल्ड स्टार्टिंग है वो हो जाएगा।
उसके बाद एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, राइट। तो एंटी नॉक क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? नॉक ऑकर व्हेन द अनबर्न गैसेस अहेड फ्लेम फ्रंट एंड स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट कॉजेज अ सडन राइज ऑफ प्रेशर कंप्लाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिंग साउंड एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ पावर एंड कैन बी लीड टू डैमेज इंजिन, राइट। अगर जो गैसोलीन एंटी नॉक क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो क्या होगा, इंजिन है वो डैमेज हो जाएगा। कंबंशन चैम्बर शेप, स्पार्क प्लग लोकेशन, इग्निशन टाइमिंग एंड गैस टेम्परेचर, सिलेंडर गैस मोशन, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ मिक्सर, फ्यूल स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। तो एंटी नॉकिंग के लिए सब पैरामीटर है वो इफेक्ट करता है, राइट। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ इंजिन ऑल्सो स्ट्रॉन्गली इफेक्ट ऑन नॉक। नॉकिंग के लिए कॉम्प्रेशन रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा हो तो थर्मल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, लेकिन जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करता है, लिमिट कॉम्प्रेशन रेशियो जनरली ऐसी इंजिन में रखते हैं। उसके बाद क्रिटिकल कॉम्प्रेशन रेशियो, व्हेन द नॉक स्टार्ट सो हायर फ्यूल ऑक्टेन क्वालिटी इज रिक्वायर्ड, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल कॉम्प्रेशन रेशियो भी इंपॉर्टेंट है किसमें, एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ गैसोलीन में, राइट। ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड ऑफ गैस कॉजेज द रैपिड इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड प्रोड्यूसिंग द प्रेशर वेव विच रिजोनेंट इन द कंबशन चैम्बर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 500 to 800 hertz डिपेंडिंग ऑन जियोमेट्री ऑफ द चैम्बर। तो क्या होता है, ये जो कितने हर्ट्स तक की जो फ्रीक्वेंसी है प्रोड्यूस कर देती है, 5000 से लेकर 8000 हर्ट्स तक, राइट। हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स को किसे कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन है उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, जो नंबर ऑफ साइकिल में जो अप एंड डाउन होता है, फ्लो एंड थ्रू होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, जनरली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। डिपेंडिंग ऑन जियोमेट्री पैरामीटर ऑफ चैम्बर, राइट। नॉक रिजल्ट इन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर कॉजेज सेवरल डैमेज ऑफ इंजिन कंपोनेंट लाइक सिलेंडर एड गास्केट पिस्टन स्पार्क प्लग एक्सेट्रा। तो उसके कारण क्या होता है, सारे पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट क्या हो जाते हैं, डैमेज होता है, राइट। तो जो मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है जो एंटोनॉक को कम बढ़ाए और नॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करे, उसके लिए क्या क्या यूज होता है, टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड जनरली एंटी नॉक के लिए ये फ्यूल यूज होते हैं एडिटिव्स की जगह पर, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू ऑल, थैंक यू।